कहानी की शुरुआत में हम एक पोस्टमास्टर को देखते हैं जो एक घर में नोटिस देने आया होता है, पर उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों के कपड़े धो रही होती है और उसका शरीर खून से भीगा हुआ था। तभी वहां पर हम उसके दोनों ट्विंस बच्चों के फोटोज को देखते हैं। इधर पोस्टमैन को उस घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर जब वो खिड़की के पास जाता है तो उसे उन बच्चों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। तभी वो उस बेसमेंट की खिड़की को खोलने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर जब वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो बच्चे उसे अंदर की ओर खींच लेते हैं और पोस्टमैन गायब हो जाता है। फिर कहानी 30 सालों बाद शिफ्ट होती है, जहाँ उन्ही जंगलों में एक कैंप लगा होता है जो कि फोन फ्री कैंप होता है, यानी कि उन टीनेजर्स के लिए जो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते थे। तभी कैंप के मेंबर उन सभी बच्चों से उनके मोबाइल फोन ले लेते हैं। इसके बाद कैंप का मेंबर उन सभी को लाइन में खड़ा करता है और कहता है कि तुम सब फोन और लैपटॉप से काफी ज्यादा एडिक्टिव हो, लेकिन इस कैंप के बाद तुम सब काफी सुधर जाओगे और तुम्हें थोड़ा अपने लिए भी समय मिलेगा। रात में ये सभी कैंप में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सभी इंजॉय भी करते हैं। इधर हम उसी जंगल में उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो जंगल से हिरन का शिकार करके लाई होती है ताकि वो उसे अपने बच्चों को खिला सके। पर जब वो उस हिरन को बेसमेंट में डालने जाती है तो गलती से वो भी उस बेसमेंट में गिर जाती है, जिसके बाद वो बच्चे उसे भी मारकर उसका मांस खा जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे बहुत ही बड़े हैं और अब वो आजाद हो जाते हैं। अगले दिन कैंप में एक फादर आता है जो सभी को ब्लेसिंग देता है। यहाँ इन सभी टीनेजर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया होता है ताकि ये सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर अपना कैंप लगा सकें। तभी वहाँ पर मिस ईजा आती है जो कि 5 बच्चों की ग्रुप लीडर थी और इन बच्चों के नाम थे एनीला, डेनियल, जोसिया, जुलेक और बार्तेक। फिर मिस ईजा उन्हें बताती है कि वो 3 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं और वहाँ हमें बहुत मजा आएगा। इसके बाद ये सभी अपना बैग पैक करते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। यहाँ जुलेक जोसिया से बात करने लगता है जिससे इनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर बार्तेक और डेनियल में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है जिससे बार्तेक डेनियल को धक्का दे देता है और डेनियल को गिरने की वजह से चोट लग जाती है। ये देखकर मिस ईजा उसका ट्रीटमेंट करती है और इसके बाद ये सभी फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। इधर जुलेक अकेले में पिस करने जाता है तभी उसे अपने सामने एक हिरन की लाश दिखाई देती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसके बाद सभी इस लाश को देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर किसने इसे इतनी बेरहमी से मारकर खाया होगा। मिस ईजा कहती है कि शायद यहाँ पर कोई बड़ा जानवर है जिसने ही इसका ये हाल किया होगा। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर जाकर वहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। रात में ये लोग अपना कैंप फायर जलाते हैं और अपने अपने बारे में बातें करने लगते हैं। जुलेक सबको बताता है कि वो एक यूट्यूबर है और उसके अभी 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो 24 आवर्स गेम की स्ट्रीमिंग करता था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे यहाँ भेजा ताकि वो अपने आप को कुछ टाइम दे सके। फिर मिस ईजा जोसिया के बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी अचानक उनके आगे से एक जानवर गुजरता है जिसकी आवाज सुनकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। फिर मिस ईजा एक लकड़ी उठाकर उस झाड़ियों के पीछे जाने लगती है ताकि वो उस जानवर को मार सके, पर जब वो देखती है कि वो फॉक्स का बच्चा है तो वो उसे जाने देती है। इसके बाद मिस ईजा उन सभी से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब अपने टेंट में जाकर सो जाओ। अब रात में बार्तेक को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो नदी किनारे जाकर स्मोक करने लगता है। तभी नीला भी वहाँ पर आती है और उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है। फिर वो भी उसके साथ स्मोकिंग करने लगती है। एनीला उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर बार्तेक कहता है कि मेरी अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर एनीला उसे किस करने लगती है और इसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। काम होने के बाद एनीला वहाँ से चली जाती है और बार्तेक वहीं पर सोया रहता है। यहाँ बार्तेक उन कैंप मेंबर से छुपाकर अपना फोन ले आया होता है। अब बार्तेक जब अपने फोन में बिजी होता है तो तभी वो किलर उसके पास आ जाता है जो कि अब आजाद हो चुका था। फिर बार्तेक जब उसका भयानक चेहरा देखता है तब वो काफी डर जाता है। तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने स्लीपिंग बैग में डालकर घसीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। बार्तेक खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। इस पर वो किलर उस बैग को जोर से पेड़ पर मारता है जिससे बार्तेक की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह कैंप में मिस ईजा देखती है कि बार्तेक वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो सभी से पूछती है कि कल आखिरी बार बार्तेक को किसने देखा था। तो एनीला बताती है कि कल रात वो और बार्तेक नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। ये सुनकर वो सभी बार्तेक को
ढूंढने के लिए नदी किनारे जाने लगती हैं, पर बार्तेक उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी जोसिया को वहां पर एक पेड़ पर काफी सारा खून लगा हुआ दिखता है। जब ये बात वो सबको बताती है तो सभी इस बात पर काफी हैरान होती हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बार्तेक के साथ क्या हुआ होगा। मिस ईजा कहती है कि हमारे पास फोन भी नहीं है जिससे हम पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला सकते, इसीलिए अब हमें अलग होकर उसे ढूंढना होगा। इसके बाद जोसिया और जुलेक जंगल की ओर जाते हैं और एनीला और डेनियल यहीं पर रुककर उनका इंतजार करते हैं। यहाँ डेनियल एनीला से कहता है उसे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इधर इन तीनों को जंगल में एक घर मिलता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं किलर्स का था। इसके बाद ये घर के अंदर जाकर आवाज लगाते हैं, पर जब अंदर से इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो ये सभी घर के अंदर घुस जाते हैं और छानबीन करने लगते हैं। तभी इन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ये उस बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगते हैं और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर बार्तेक की लाश मिलती है जिसका पेट बुरी तरह से फटा हुआ था और उसकी अतड़ियां बाहर थी। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। जुलेक उनसे जल्दी बाहर चलने के लिए कहता है क्योंकि दरवाजे पर कोई आ रहा था। तभी वो आदमी घर के अंदर आ जाता है जिसे देखकर जुलेक काफी डर जाता है। फिर ये तीनों बेसमेंट में ही जाकर छुप जाते हैं। तभी वो किलर उनकी आवाज सुन लेता है और वो बेसमेंट के अंदर आने लगता है। तभी ईजा को वहाँ पर एक खिड़की दिखती है और वो उसे तोड़ने लगती है। फिर वो जुलेक और जोसिया को वहाँ से बाहर निकाल देती है और उन्हें वहाँ से भाग जाने को बोलती है। अब जब वो खुद बाहर निकलने वाली होती है तो तभी बार्तेक का फोन रिंग होने लगता है। ईजा उस फोन को लेने की सोचती है क्योंकि वो उससे पुलिस को कॉल कर सकती थी, पर तभी वो किलर उसे पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर जोसिया और जुलेक बाहर से ईजा को आवाज लगाने लगती है और तभी वो किलर ईजा का कटा हुआ सर उनकी तरफ फेंकता है जिसे देखकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एनीला और डेनियल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी डेनियल उसे बताता है कि वो एक गे है और ये बात उसने अपने पेरेंट्स को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि ये जानकर वो उसे घर से निकाल देंगे, पर एनीला उसे खुलकर जीने के लिए बोलती है। पर डेनियल कहता है कि वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। तभी वो एनीला की ओर देखता है तो पाता है कि वो मर चुकी है क्योंकि किलर ने उसके सर में लकड़ी घुसा दी थी। डेनियल उस किलर को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। डेनियल भागते हुए एक चर्च के पास आ जाता है। इधर जोसिया और जुलेक मदद के लिए एक घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उन्हें घर के अंदर बुलाता है और उनसे पूरी बात बताने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डेनियल को चर्च में फादर मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर जब डेनियल उसे सारी बातें बताता है तो फादर उसे शांत कराता है। वो उसकी मदद करने के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है पर कॉल नहीं लगता। इस पर फादर कहता है कि यहाँ पर लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर तभी उस लैंडलाइन पर कॉल आने लगता है जिससे डेनियल समझ जाता है कि फादर उससे झूठ बोल रहा है। तभी फादर उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब डेनियल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। फादर उसके सामने बैठकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम गे हो और क्योंकि ये गॉड के खिलाफ होता है इसलिए तुम दंड के पात्र हो। तभी फादर को चर्च के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो उसे देखने के लिए जाता है। बाहर उसे वही किलर मिलता है जो उस पर अटैक कर देता है और उसकी दोनों आंखें निकाल देता है। फिर वो उसकी बॉडी को श्रेडर मशीन में डाल देता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर डेनियल किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो खिड़की से देखता है तो उसे वही किलर दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने आप को वही रूम में लॉक कर लेता है और किलर उसे ढूंढने लगता है। इधर जुलेक और जोसिया उस बूढ़े आदमी को सारी कहानी बताते हैं जिससे वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि सालों पहले यहाँ पर एक औरत रहा करती थी जिसके दो ट्विंस लड़के थे। वो सभी खुशी से यहाँ पर रह रहे थे लेकिन एक दिन आसमान से एक मेट्योर आकर यहाँ पर गिरा जिसके बाद उन दोनों बच्चों ने वहाँ जाकर उस मेट्योर के एक टुकड़े को उठा लिया। घर आने के बाद उनकी मॉम इस बात से अनजान थी। फिर वो उन दोनों को सुला के खुद भी सोने के लिए चली गई। रात को अचानक उस मेट्योर से एक काला मटेरियल निकला जो उन दोनों के मुंह के अंदर घुस गया जिसकी वजह से उनमें कुछ असामान्य पावर्स आ गई। अगली सुबह उनकी मॉम ने देखा कि वो दोनों ही अपने बेड पर नहीं थे। तभी उसे घर के फ्लोर पर खून नजर आया और वो बेसमेंट की ओर गई जहाँ पर उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे इन्फेक्टेड हो गए थे और वो कुत्ते का मांस खा रहे थे। ये देखकर उसने उन्हें बेसमेंट में ही बंद कर दिया ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके।
ये स्टोरी सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वही दोनों ट्विन्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। तभी वो आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो और अगर तुम्हें मरना है तो तुम जंगल की ओर जा सकते हो। लेकिन यहाँ ये दोनों उसकी बात नहीं मानते और जंगल की ओर जाने लगते हैं। यहाँ जोसिया जुलेक से कहती है कि हमें फिर से उस घर में जाना होगा ताकि हम बार्तिक के जेब से उसका फोन ले सकें, जिससे हम पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाएंगे। फिर वो उस घर के पास जाकर उस खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि वो किलर अंदर ही है और बार्तिक की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। ये देखकर जुलेक जोसिया से कहता है कि मैं अंदर जाकर किलर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम मौका देखकर फोन को लेकर वहाँ से भाग जाना। फिर जुलेक उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, जिससे किलर ऊपर दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और जोसिया अंदर जाकर उस फोन को ले लेती है। तभी वो देखती है कि वो किलर बेसमेंट में ही है, यानी कि वो ऊपर गया ही नहीं था। तभी वो किलर उसका गला दबाने लगता है, वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी जुलेक आकर उसके पेट में चाकू मार देता है, पर उस किलर को इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो किलर जुलेक के मुंह को काट खाता है और उसे पटक देता है, जिससे जुलेक वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जोसिया की आँख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। फिर वो जुलेक के पास जाकर कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी, पर जुलेक उससे खुद को मार डालने के लिए कहता है। अब जोसिया ये नहीं करना चाहती थी, पर वो काफी दर्द में था, इसीलिए वो चाकू से उसका गला काट देती है। इधर ऊपर ये दोनों किलर भाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक भाई मांस के लिए बाहर जाने लगता है और दूसरा वो वहीं बेड पर लेट जाता है। इधर जोसिया भागने के लिए खिड़की के पास जाती है, पर जब वो जुलेक की लाश को देखती है तो उसे उन दोनों भाइयों से बदला लेने का मन करता है। तभी उसे वहाँ पर एक तलवार दिखाई देता है, जिसे वो उठा लेती है और ऊपर जाती है। जोसिया देखती है कि वो किलर वहाँ पर सो रहा है, फिर वो उसके पेट में स्टैब करके उसे मार डालती है। ये करने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है ताकि उसका भाई उसका पीछा ना कर सके। इधर उस बूढ़े आदमी को उसके घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि बाहर वही किलर आ गया है, इसलिए जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो उसे शूट कर देता है। पर तभी वो देखता है कि वो तो वही लड़का था जिसे गलती से शूट करके उसने मार दिया है। इधर जोसिया को रास्ते में एक पुलिस वाला मिल जाता है और वो उससे हेल्प मांगती है। फिर वो पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि तुम अभी सेफ हो, पर तभी उस पुलिस वाले को रोड पर कोई लेटा हुआ दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाने लगता है। यहाँ जोसिया उसे उसके पास जाने से रोकती है, पर फिर भी वो उसके पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो वही किलर है जो अपने एक्स से उसके शरीर के दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर जोसिया गाड़ी की विंडो तोड़कर बाहर निकलती है और ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है। तभी वो किलर भी उसकी गाड़ी पर बैठ जाता है, पर जोसिया गाड़ी को आगे बढ़ा देती है, जिससे किलर वहीं पर गिर जाता है। फिर वो उसके ऊपर कई बार गाड़ी चलाती है, जिससे किलर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और बच जाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम उसी किलर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था, और उसके घर के बाहर पुलिस भी आई होती है। फिर वो उनके पास जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।